नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। धौलपुर कांग्रेस पार्टी की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा से आज पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा विधायक रोहित बोहरा के नेतृत्व में राजाखेड़ी पुलिस चौकी से सड़क मार्ग होते हुए पहाड़ी मुरैना मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। समापन में रोहित बोहरा ने हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए भाजपा पर वार किया। पदयात्रा के दौरान विधायक रोहित बोहरा ने हमारे संवाददाता सचिन सेडवाल से खास बातचीत में क्या कहा, आप भी सुनिए। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा जिनके नेतृत्व में पदयात्रा निकाली जा रही है। ये पदयात्रा सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुई राजाखेड़ा चौकी से। अब इनसे बात करेंगे किस प्रकार से इसको उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है, हम बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में। राहुल गांधी जी ने 3200 किलोमीटर की यात्रा निकाली 142 दिन में, हमारे नेता ने। हम उसी को सब ब्लॉकों में एक एक दिन 15-15 किलोमीटर हमें 3 महीने तक करना है। हमारे 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉकों में 15 हर 28 तारीख को एक पदयात्रा निकालेंगे। इस बार हम लेट हो गए थे तो इसलिए हमने ये अभी पदयात्रा निकाली है, जिससे कि हम दुनिया को बता सकें कि बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आपके साथ है और आपके लिए लड़ रही है। ये पदयात्रा पूरे ज़िले में निकाली जाएगी या एक ही विधानसभा में? ये पूरे ज़िले में निकालनी है, सब विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में निकालनी है। जो विधायक निकालना चाहें वो निकालें, जो नहीं निकालना चाहे वो। कहीं ना कहीं विपक्षी दल भी यही सोच रहा है कि इसको राजनीतिक मायने दिए जा रहे हैं। हाँ, तो राजनीतिक मायने तो हैं, इसमें कौन मना कर रहा है राजनीतिक मायने नहीं है। आप महंगाई बढ़ा रहे हो, बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, उसके लिए राजनीतिक मायने नहीं है क्या? कोई साधु संतों के लिए थोड़ी, हम साधु संत थोड़ी। राहुल गांधी जी का ये मैसेज था कि किस प्रकार से प्रेम शांति भाईचारा, शांति भाईचारा तो इससे बढ़ेगा ही ना। जब इतने सारे आदमी साथ चलेंगे तो प्रेम शांति भाईचारा तो बढ़ ही रहा है ना। बट उनके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं सूत्रों से ये भी पता लगा है कि किस प्रकार से जब शोभारानी कुशवाहा जी ने एक महापंचायत का बैनर डाला था तो उससे पहले ही आपने ये मतलब ये आपका ये आपकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं, ये आपकी सोच है। या आप सोचें जो इसके मायने लगाने, हमारे को जो हमारा प्रोग्राम करना था, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें प्रोग्राम दिया था, हमने तो वो निकाला। एक शेयर गिरा और पता पड़ा आपने जितना पैसा लाख रुपए लगाया था वो 50,000 रुपए। इसीलिए राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करी। जो सरकारी नौकर है वो अपने घरों में उस दिन हमने दिए जलाए घी के कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम में इंक्लूड कर दिया। तो हमारा काम ऐसी चिरंजीवी योजना आज एक गरीब ने जो पहले वसुंधरा सरकार ने शुरू करी थी उसपे 19% सिर्फ लोग राजस्थान में कवर हुए। आज चिरंजीवी में 90% लोग लोगों के बीच में कवर हो गए। मेरे पास इतने फोन आते हैं और जयपुर में इलाज के लिए कि आजकल हर कोई जयपुर भागता है, इलाज फ्री में। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।